हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स से हमारे बॉडी में एनर्जी जो है प्रोवाइड होती है, यही मेन सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस डे टू डे एक्टिविटी। जो वेरियस अलग अलग हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में मिलता है वह स्टार्च एंड शुगर के रूप में मिलता है। तो स्टार्च और शुगर के रूप में मेन कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड से प्राप्त होता है। शुगर इज एन ईजली अवेलेबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है आसानी से अवेलेबल जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज, जो ठीक है ईजली अवेलेबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर स्वीट एंड ऑफ्टन सॉल्वल इन वाटर। ये स्वीट्स होते हैं, मीठे होते हैं और ये वाटर में घुल जाते हैं। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। यह जो है बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च इज अनदर फॉर्म, अनदर टाइप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है यह कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा रूप है, एक दूसरा फॉर्म है। स्टार्च मॉलिक्यूल आर मोर कॉम्प्लेक्स देन शुगर मॉलिक्यूल। स्टार्च जो मॉलिक्यूल है वह शुगर मॉलिक्यूल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दे डू नॉट टेस्ट स्वीट। इसका स्वाद जो है मीठा नहीं होता है। एंड आर इनसॉल्वल इन वाटर, और यह वाटर में घुलता नहीं है। द एनर्जी इन स्टार्च इज रिलीज मोर स्लोली इन आवर बॉडी। स्टार्च से जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में बहुत धीमे से रिलीज होती है, बहुत स्लो तरीके से रिलीज होती है। यहाँ फिगर आप देखो, यह आप ग्लूकोज का सोर्स देख रहे हैं, ग्लूको प्लस सी है ठीक है, और यह मिल्क है, यहाँ से भी आपको ग्लूकोज मिलता है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट आपने देखा, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है? वी गेट मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट्स। अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फैट्स। प्लांट्स जो हैं वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बनाती है और उसको स्टार्च, शुगर और फैट के रूप में स्टोर करती है। फ्रूट्स शुगर कैन एंड बीट रूट कंटेन शुगर। फ्रूट्स जो हैं शुगर कैन हैं एंड बीट रूट्स जो हैं उनमें शुगर कंटेन होता है। जैसे यहाँ फ्रूट्स हैं इनमें शुगर पाया जाता है, शुगर कैन में शुगर पाया जाता है, बीट रूट्स में शुगर पाए जाते हैं। वीट, राइस, मेज एंड अदर सीरियल्स एलॉन्ग विथ पोटैटो एंड टैपियोका आर रिच इन स्टार्च ठीक है। तो वीट, राइस, पोटैटो ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रूट शुगर कैन एंड बीट रूट में शुगर पाए जाते हैं ठीक है, इनमें शुगर पाया जाता है, जबकि वीट, राइस एंड पोटैटो ठीक है टैपियोका में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो यह आपने देखा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फैट्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक आप रिवाइज करें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में।